हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। वी हैव फोर ऑफ कप्स एनर्जी, इंटरेस्टिंग, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स, आई एम हियरिंग कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, या कोई कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे थे, आप बार बार अपना मे बी ईमेल्स चेक कर रहे थे किसी कम्युनिकेशन के लिए, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फिर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है जो आप रिसीव करने वाले हो, या आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस कम्युनिकेशन के बारे में। लाइक जो क्लैरिटी आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगी। नाउ आई सी दैट कुछ लोग पर्टिकुलर एक इंसान है लाइफ में आपके जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो, जैसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हो उसी हिसाब से लेना रीडिंग को। पर आप लोग बार बार पीछे हट रहे हो, या ये इंसान बार बार पीछे हट रहे हैं ये सोच के कि ये तैयार नहीं है। इन्हें लगता है कि इन्हें ये करना चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद इन्होंने ये डिसीशन लिया है कि मुझे जाके इस इंसान को रीच आउट करना चाहिए, जैसे कि आपको रीच आउट करना चाहिए। पर ये बार बार एक्शन लेने से पहले पीछे हट जा रहे हैं, या एक कदम आगे बढ़ते हैं तो ये दो कदम पीछे आ जाते हैं, किसी डर के वजह से, किसी रिजेक्शन के डर के वजह से, या इन्हें लगता है कि इन्होंने जैसे इमेजिन किया है चीज़ें, रियलिटी में चीज़ें वैसे होगा नहीं। सो रियलिटी में कुछ बुरा ही होगा, कुछ खराब ही होगा। सो ये वो डर के वजह से ये फाइनल एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये फाइनली कुछ कर के दिखा नहीं पाते हैं। नाउ आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जो अगले 3 दिन में आएगा आपके सामने। अब ये कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं भी हो सकता है, दिस कुड बी लाइक कोई छोटा सा चीज़ कि आपको कोई छोटा सा पैसों का रकम चाहिए थी, या आपको किसी से कम्युनिकेशन चाहिए थी, या आप कहीं जाना चाहते थे, एंड ये कुछ मामूली सा, ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। एंड आई सी दैट नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर, 3 दिन के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से लेके 3 दिन के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी, या ये मैनिफेस्टेशन, ये प्रेयर आपका सुन लिया जाएगा। ऑल्सो देर इज समबडी जो आपको एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं क्योंकि इन्हें आपके अंदर एक बहुत ही यंग एनर्जी मिलती है। अब यंग एनर्जी मतलब मैं आपकी एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आपकी एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा दिल से यंग हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप में एक जोश है, आप में एक पॉजिटिविटी है, आप में एक लाइट है जो इस इंसान को आपके अंदर दिखता है, क्योंकि इस इंसान का ज़िंदगी उतना भी हैप्पी नहीं है, या इस इंसान के ज़िंदगी में उतना भी कुछ रंग नहीं है। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा ज़िंदगी जीते हैं, या ये इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ भी ज़्यादा खुशियाँ नहीं देखते हैं। सो दिस कुड बी, आई एम गेटिंग द एनर्जी, ये पर्सन आपसे बहुत ही एज में बड़े हो सकते हैं, लाइक एटलीस्ट 5 साल, या मे बी उससे भी ज़्यादा, 10 साल, 20 साल बड़े हो सकते हैं। बट दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू, ओके, रियली लाइक्स यू, एंड इस पर्सन का इरादा कुछ बुरा नहीं है। लाइक ये पर्सन सामने से आके आपको कुछ प्रपोजल नहीं देना चाहते हैं, या ये इंसान लाइक कुछ भी आपसे चाहते नहीं है, ये बस आपके एनर्जी में रहना चाहते हैं क्योंकि आपसे इन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिलता है, आपको देख के इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, एंड ये इन्हें लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है, या हैंडसम है, या आप बहुत दिखने में अच्छे हो। सो ये चीज़ इन्हें बस अच्छी लगती है, ओके। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी गाइज, जहाँ पे आपके लव लाइफ में एक ट्विस्ट आने वाला है। आप यस, लाइक देर इज़ अनदर पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट जो इस पूरे
स्टोरी को, सिचुएशन को बदल देगा। अब मैं नेगेटिव, मुझे नहीं लगता ये नेगेटिव है, लाइक मुझे नहीं लगता ये थर्ड पार्टी है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है एंड आपको वो चीज़ पता है एंड उस थर्ड पार्टी के किसी एक्शन या मूवमेंट के वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिसरप्टेड हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी नहीं है, फॉर देम मुझे लगता है कि ये एक्चुअली कुछ पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि कोई फ्रेंड आप दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस हो, लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड या किसी का कोई कज़िन, रिश्तेदार, समबडी जो आप दोनों के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है या स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो एक एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे को, लाइक दोनों इंसान को एक रिलेशनशिप में सही एडवाइस देते हैं या सही टाइम पे आके हेल्प करते हैं या सही रास्ता दिखाते हैं। तो वैसे ही किसी इंसान का एंट्री आई थिंक होने वाला है। अगर ऑलरेडी ऐसा कोई इंसान आप दोनों के बीच में है नहीं, तो ऐसा कोई एंट्री होने वाला है किसी का जो इस कनेक्शन को बेटर बना सकता है, जो आप दोनों को हेल्प करेगा सही डिसीजंस लेने में, सही एडवाइस देने में। एंड क्योंकि ये पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों साथ रहे, ये पर्सन चाहेंगे कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप हो, आपका एक अच्छा मैरिड लाइफ हो। सो दिस इज समबडी हु इज कमिंग फॉरवर्ड, बट ये पर्सन इस बारे में, लाइक आई एम हियरिंग, इस बारे में आपको कुछ नहीं करना है। ये पर्सन जब आना होगा ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है, एंड बहुत जल्दी आएंगे, ऑटोमेटिकली होगा ये। सो आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है, आपको बस देखना है कि ये पर्सन कौन है, कैसे आते हैं, ठीक है। बट जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी के बारे में मैं कहूँ दैट ये थर्ड पार्टी फिर से इंटरफेयर करेंगे एंड ये सिचुएशन थोड़ा सा फिर से कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के वजह से, अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर है तो आपको पता है, अगर पता नहीं है तो डोंट पैनिक अबाउट दिस। ऑल्सो कुछ लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन किए हो, लाइक सेल्फ लव या आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या आपको अगर अपने अंदर कुछ भी चेंज करना था आपने वो चेंज किया, आपके बैड हैबिट्स या वट एवर, या आप ऐसा करने की सोच रहे हो, या तो आप किए हो या तो सोच रहे हो, इन दैट केस मैं कहूँ दैट दिस विल बी वर्किंग फॉर यू। अगर आप ऐसा सच में कर पाते हो ये बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। आप बहुत कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे द मोमेंट आप अपना ख्याल रखने लगोगे, द मोमेंट आप रियलाइज करोगे कि आपके बैड हैबिट्स क्या है, आपके माइनस पॉइंट्स क्या है, एंड आप उस माइनस पॉइंट्स को सुधार के प्लस पॉइंट्स बनाने लगोगे। यू विल सी अ सडन चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज, जहाँ पे यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव न्यूज़, अबंडेंस, मनी, यू नो, एवरीथिंग गुड। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है आने वाले 24 आवर्स में, एंड ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा, आप बैलेंस्ड रहोगे, आपका एफर्ट भी सही है, आप जो करना चाहते हो आप वो अचीव भी कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीते, ख्याल रखना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।